नमस्कार मैम मोना, आपको स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल में। आज मैं बनाऊंगी एक सिंपल सा रेसिपी, रोस्टेड टमाटो या टमाटो चटनी। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा टमाटो, कटी हुई प्याज, कटी हुई लहसुन, कटी हुई धनिया पत्ता, जीरा पाउडर, ग्रीन चिली, स्वाद अनुसार नमक और सरसों का तेल। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। पहले गैस के ऊपर एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर टमाटो रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। टमाटो को हम लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, इसको हाई मत करना है क्योंकि ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्चा रह जाएगी। लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में आप सेकोगे इसको। ऐसे पलट पलट कर अच्छे से सेकना है, लगभग 10 मिनट तक सेकना है ताकि अंदर से अच्छा से पक जाए। अभी टूथपिक से देखते हैं अंदर से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। हो गया अभी, तो गैस बंद कर लेते हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से सेक गई। पहले इसका छिलका निकाल लेंगे। चाहो तो आप पानी में डाल के इसको साफ कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे ही किया क्योंकि मुझे गर्म खाना है। उसके ऊपर का एक हार्ड रहता है, उसको चाकू से निकाल देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसको काट देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अभी इसको चम्मच से पीसने में आसानी होगा। तो मैंने इसको चम्मच से पीस देती हूँ पहले। इसको चाहे तो आप हाथों से भी कर सकते हो, पर ये यहाँ गर्म है इसीलिए मैंने चम्मच से कर रही हूँ। मुझे तो इसको गर्म खाना है क्योंकि गर्म में बहुत ही टेस्टी होता है ये। देखिए ये अभी अच्छा से पीस गई। अभी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। पहले तेल डाल दिया, ये चॉप्ड अनियन डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, जीरा पाउडर, लहसुन, धनिया पत्ता और ये हरी मिर्च डाल दिए। इसको अच्छा से मिलाना है। अभी बस मिक्स कर लिए, हो गया हमारा रेसिपी रेडी। बस देखिए ना कितना फटाफट बन गया ये रेसिपी, 10 मिनट में बन गई ये रेसिपी। आप भी इसका घर पे ज़रूर बनाइए और रोटी या चावल के साथ खाइए। ये एक बढ़िया सा साइड आइटम है, आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।